चलो, जो आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट, चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर सूचकांक। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन इसके किए थे जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इसके रूल्स भी प्लेलिस्ट में है। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित सूचनाओं से सरल मूल्यानुपात माध्य रीति के लिए माध्यिका लेते हुए वर्ष 2010 के आधार पर 2011, 12 और 13 के सूचकांक की गणना कीजिए। तो बच्चों देखो, अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सा है। मूल्यानुपात का मतलब प्राइस रिलेटिव होता है, तो आप इसको इंग्लिश में भी देख ले। लिखा है बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग मीडियन। ठीक है, यूजिंग मीडियन का मतलब सबसे लास्ट में मीडियन देखना है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे होगा। प्राइस रिलेटिव मेथड आप इसको समझ रहे हैं, है ना। इसमें वो कहता है प्राइस इन रुपीज 10 kg, प्राइस इन रुपीज है 10 किलो के लिए, यानी नीचे जो दे रखा है वो प्राइस है, 10 किलो की प्राइस है। वस्तुएं हैं ए बी सी डी और ई, 5 वस्तुएं हैं, और समय जो है वो 2010, 11, 12 और 13 है। तो वस्तुएं भी ज्यादा होगी और ईयर भी ज्यादा हो गए हैं। अब अपने को इसमें इंडेक्स लेना है। सबसे पहली चीज, इसने यहां पे देखो ये बात लिखी है, किसको बेस मानना है? बेस 2010 को मानना है, तो ये आपका P0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P0। आपको पता है प्राइस ऑफ बेस ईयर क्या कहलाती है? P0। और ये सारे P1 हो जाएंगे, ये भी P1 होगा, ये भी P1 होगा और ये भी P1 होगा। अपने को इससे क्या करना है? इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो ज्यादा वस्तुएं दे रखी हो और ज्यादा ईयर के लिए दे रखा हो तो इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है वो हम इस प्रश्न में सीखेंगे। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। देखें सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में मैंने एक ब्लू लाइन बनाई है, इससे पहले 5 कॉलम बनाए हैं और इसके बाद में 4 कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ ये जो ब्लू लाइन से पहले जो भी हम लिखेंगे ना, तो वो तो है आपका क्वेश्चन, और उससे आगे के जो 4 कॉलम है वो आपका है सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन का पार्ट चूंकि अपने को केवल लिखना ही है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आपके वस्तुएं आर्टिकल दे रखा है, देखो तो आर्टिकल में आपके ए बी सी डी और ई है, तो लिखे ए बी सी डी और ई। उसके बाद में आर्टिकल्स में बाद में आपके प्राइस में 2010 से दे रखी है, तो 2010, 2011, 2012, 2013। प्राइस आपके कितनी दे रखी है बच्चों? 360 है ना, इसकी सारी बोल दो तो 600, 300। अच्छा, ये सारी चीजें क्वेश्चन है ना, तो इसमें अपने को सीखना कुछ नहीं है, क्वेश्चन वापस लिख रहे हैं। और 480, उसके बाद में 900, 720, 450, 360, 1200, फिर 2012 के लिए 1080, 1200, 690, 720, 1440, फिर 1680, 1290, 720, 780, 1300। हो गया बच्चों, ये हमने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। अब अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ऊपर हेडिंग लिखते प्राइस रिलेटिव। प्रश्न में कहा था ना प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करो, तो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है वो 2010 के लिए, 2011 के लिए, 2012 के लिए और 2013 के लिए। प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला पता है क्या होता है? P1 upon P0 into 100। तो ये इंडेक्स बोल दो चाहे प्राइस रिलेटिव बोल दो, एक ही बात होती है। पहला साल है 2010। अब बेटा एक बार बोर्ड पे देख ले थोड़ा सा, पहले साल का जो बेस ईयर है उसका तो 100 होता है, तो हमने यहां लिखा 100। ठीक है,
अब 900 बट्टे 360 इंटू 100 करो कितना आता है? छह सौ पच्चीस, 250 आता है। क्या करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं बच्चों। 900 बट्टे 360 इंटू 100, 250। फिर देखो अब अगला कैसे होगा बेटा, एक बार बोर्ड पे देखे, लापरवाही नहीं करें। 1080 है ना, इसकी बट्टे में भी यही आएगा 360, क्योंकि ये पी वन है। पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 कितना होता है? 300। और उसके बाद में 1680 बट्टे 360, इसके बट्टे में भी ये आएगा। हाँ, 467, 66.666 है ना, तो उसको 67 लिख देंगे। हो गया बच्चों, राउंड करना है इसको, पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं। 66.66 था तो 67 कर दिया। ये लाइन किस किस को समझ में आ गई, हाथों पे करें एक बार। अब इसी तरीके से सारे करने हैं। पहला 100 बेस ईयर का, इसमें भी 100, इसमें भी 100 और इसमें भी 100, ये तो फिक्स होएगा सब में। अब कैलकुलेट कैसे होगा, इसमें इसका भाग, इसमें इसका भाग और इसमें इसका भाग, तो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कितना है बेटा? 120। फिर 1200 बट्टे 600, 200। फिर 1290 बट्टे 600 इंटू 100, 215। फिर अब अगला, पहला तो 100 हो गया, 450 बट्टे 300 इंटू 100 कितना होता है? फिर 690 बट्टे 300 इंटू 100 कितना होता है? 230। फिर उसके बाद में 720 बट्टे 300 इंटू क्या होता है? 204। फिर पहला का तो 100 हो गया, दूसरा हो जाएगा 360 बट्टे 240। ये मिटा देता हूँ वापस, है ना, सफाई आ जाएगी थोड़ी सी। हाँ कितना है यहाँ, यहाँ पे बताना बेटा, 360 बट्टे 240 इंटू 100, 150। फिर 320 बट्टे 240 इंटू 100, 300। फिर 780 बट्टे 240 इंटू 100, 780 बट्टे 240 इंटू 100, 325। फिर उसके बाद में 400 है ना, तो पहले का तो 100 हो गया, दूसरे का 1200 बट्टे 480, इसमें इसका भाग देना है इंटू 100, 250। फिर 1240 बट्टे 480 इंटू 100, 300। फिर उसके बाद में 1320 बट्टे 480 इंटू 100। हो गया बच्चों, ये प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना आ गया। अब आपको करना क्या है, ये जो है कॉलम, इसकी टोटल लगानी है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा आर। प्राइस रिलेटिव को आर से इंडिकेट करते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव को आर से इंडिकेट करते हैं। तो टोटल लगाएंगे, तो पहले की टोटल आएगी 500, दूसरे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 920 होता है 920। फिर 3 3 6 2 9 10 11 12 13, 1330। तो फिर 1522, सही है। ये तो सिग्मा आर हो गया, ठीक है ना, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव। सिग्मा आर का मतलब क्या हो गया, टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव। ओके, अब इसमें आंसर जो पूछा है ना, मीडियन पूछा है, क्या पूछा है, मीडियन ऑफ प्राइस रिलेटिव पूछा है। तो बच्चों मीडियन में बच्चों क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये पांच संख्या है ना, पांच संख्याओं में मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हम इसको अलग से लिख के नहीं करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, एन प्लस 1 बट्टे 2 होता है,
एम का फॉर्मूला होता है ना, तो एन है 5 प्लस 1 बट्टे 2, यानी थर्ड, तीसरी जो संख्या है वो आंसर होगी। तीसरी संख्या देखने के लिए हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड संख्या देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें तो सारी 100 है, तो इसमें तो पहला आंसर तो आपका वैसे ही 100 आ जाएगा। पहला आंसर हो गया 100, सही है, ध्यान से देखना बेटा, है ना। अब थर्ड आइटम इसमें देखो, इस पूरी लाइन में तो सबसे छोटा एक नंबर वो है 120, दो नंबर 150 और तीन नंबर 150। तो आंसर कितना हो गया, समझ में आ गई, तीसरी संख्या लेनी है फिर, क्योंकि मीडियन कहा है। अब इसमें देखो एक नंबर कौन है सबसे छोटा, 200, दो नंबर 230, तीन नंबर 300, ये आंसर हो गया। फिर इसमें सबसे छोटी संख्या एक, दो नंबर तीन नंबर, तो ये 275 आंसर हो, ये आपके आंसर है, इतना ही सवाल, कोई दिक्कत प्यार बच्चो। अब मान लो इसी सवाल में, बेटा सुन लो एक लाइन और सीख लो साथ में, ये तो हो गया। अब मान लो इसी सवाल में वो कहता है मीन, मीन से कैलकुलेट करो प्राइस रिलेटिव, मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव निकालो, क्या लिखते हैं, मीन ऑफ पीआर प्राइस रिलेटिव। तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, बहुत आसान है, एक कॉलम और बन गया, क्योंकि ज्यादातर प्रश्नों में तो यही पूछा जाता है, मीन ही पूछा जाता है, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 500 में 5 का भाग दे दो 100, 900, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, आ रही बात समझ में। तो 920 में 5 का भाग दे दो 184, और 1330 में 5 का भाग दे दो 267 कर देते हैं राउंड, और इसका 1530 का 5 का भाग दो 304, 0.4 है तो छोड़ देते हैं उसको। तो ये आपके एक्स बार का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो दो ही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, दोनों ही बता दिए, ये मीडियन का हो गया एम से और ये हो गया एक्स बार से, कोई दिक्कत बच्चों। अगर मान लो प्रश्न में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक्स बार से ही करना होता है, यानी मीन से करना होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस किस को समझ में आया इससे पहले, वेरी गुड प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, इसमें दिया हुआ है 2009 से श्रृंखलाबद्ध तीन वस्तुओं के औसत मूल्यों से श्रृंखला आधार सूचकांक की परिकल्पना कीजिए। श्रृंखला आधार चेन बेस, आप लोगों को बताया ना, एक तो होता है एफ बी फिक्स बेस, एक होता है सी बी चेन बेस। तो चेन बेस यानी श्रृंखला आधार सूचकांक की गणना करनी होती है। जब फिक्स बेस होता है ना तो हम पी आर कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं पी आर, और जब चेन बेस होता है तो हम बोलते हैं एल आर लिंक रिलेटिव, क्या बोलते हैं, आसान है याद रह जाएगा। तो इसने कहा श्रृंखला आधार सूचकांक की परिकल्पना कीजिए एक समूही रीति द्वारा और एक मूल्यानुपात माध्य रीति द्वारा, समूही यानी एग्रीगेट मेथड से और दूसरी प्राइस रिलेटिव मेथड से। तो दो मेथड से इसको करना है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। और इस सवाल में आप देखो क्या दिया है, तीन वस्तुएं दे रखी हैं, आर्टिकल जैसे पिछले प्रश्न में आर्टिकल था ना, यहाँ पे समूह दे दिया, वीट यानी गेहूं, चावल और चीनी। ईयर में पिछले में 4 साल थे, इसमें 5 दे दिए, 9, 10, 11, 12 और 13 संख्याएं दे दी अपने को, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस दे रखी है, ठीक है। अब अपने को इस टेबल से क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले समूही विधि यानी एग्रीगेट मेथड और दूसरी एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, दो मेथड से कैलकुलेट करना है। और ये एवरेज शब्द को आप देख ले, एवरेज शब्द का मतलब हो गया एक्स बार से, ठीक है, और एक्स बार से करना है और कैलकुलेट क्या करना है, चेन बेस इंडेक्स, आ रही बात समझ। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करना है तो उसके लिए हमने जो टेबल बनानी है वो इस तरीके से होगी, ऊपर आप लिख दें इंडेक्स, और चूंकि चेन बेस इंडेक्स बनाना है तो ऊपर ये भी लिख दें चेन बेस इंडेक्स, ठीक है।
अब आपके मैंने वही सेम तरीका अपनाया है, ब्लू लाइन के इधर जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है और इस तरफ जो है वो आपका सॉल्यूशन का होएगा। अब चूंकि इस बार 5 सालों की डिटेल दे रखी है, तो इस तरफ देखो एक तो आर्टिकल का कॉलम बन गया, तो यहां पे लिख दे आर्टिकल, तो उसमें आपके है वीट, राइस और शुगर, राइस और शुगर, सही है। अब इसके बाद में ईयर आपके कौन से दे रखे हैं बच्चों, पहला साल कौन सा है, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, सही है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, इससे पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। संख्याएं बोलना बेटा क्या है, चार, चार के नीचे 16 है ना बेटा, 4, 16, 8, फिर 6, 20, 10, फिर 8, 24, 30, 16 सही है, यहाँ पे 16 है। फिर किताब में करेक्शन कर लेना अगर हो तो, हाँ 30, 20, फिर 12, 36 और 24, कोई दिक्कत कर रहे। अब उसके बाद में क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसका टोटल लगा लो, टोटल टोटल 18 कितना, 28, 36, फोर्टी एट, सिक्सटी, 72, ठीक है। ये हमने पूरा क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक मेथड उसने हमें कहा है एग्रीगेटिव मेथड, कहा है ना प्रश्न में, तो एग्रीगेटिव मेथड का मतलब होता है ये जो टोटल आया ना, इस टोटल से इंडेक्स कैलकुलेट करो, ऐसा इसका मतलब ये होता है। तो अगर टोटल से इंडेक्स कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना कौन सा है, चेन बेस्ड इंडेक्स करना है, तो पहला साल जो होता है उसका 100 होता है, तो यहां पे आप लिखिए इंडेक्स, तो इंडेक्स में पहले साल का कितना हो जाएगा 100। अब दूसरे का कैसे कैलकुलेट होगा वो सीखो, मेन जो सीखने वाली चीज है ना वो यहां है, 36/28 इंटू 100 करो कितना आता है, 128.6 कर दो, चलो। फिर दूसरा, अब चूंकि चेन बेस है तो इस बार इसके बट्टे में कौन आएगा, ये आएगा, तो 48/36 इंटू 100, 133.33, ठीक है, 3 लिख दो खाली, एक ही बहुत है। और अगला कैसे आएगा, 60/48 इंटू 100, 125, और फिर लास्ट 72/60 इंटू 100, 100, ठीक है। जब चेन बेस इंडेक्स होता है तो पहला स्टेप पूरा हुआ है अभी तक, अब फाइनल इंडेक्स आएगा, तो सी बी आई लिख दो, क्या लिखेंगे, चेन बेस इंडेक्स। ये कैसे होगा ये भी सीखो, हमेशा ऐसा करना है, पहले का तो 100 लिख दो, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। अब देखो, अब नई सेटिंग सीखनी है, इसमें इन दोनों की गुणा करो और 100 का भाग दे दो, कितना आता है, एक सौ 28.6 ही आएगा, 100 से गुणा और 100 से भाग तो वही आएगा, चिंता मत करो बदलेगा। अब इन दोनों की गुणा करो, दिख रहा है हाईलाइट किया हुआ, इन दोनों की गुणा करो और 2 का भाग दे दो, 100 का भाग दे दो,
अब बदलेगा 171.42। अब क्या करोगे, इन दोनों की गुणा बट्टे 100 करो, कितना 214.2727। और फिर लास्ट इन दोनों की गुणा करो और 2 का भाग दे दो, 257.04। ठीक है, 1-2 पढ़ा रहा हूं मैंने तो किताब के आंसर के हिसाब से बोलते। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है, चेक करो, ये आपका आंसर है। कौन से मेथड से? एग्रीगेटिव मेथड कहा था ना प्रश्न में, तो एग्रीगेटिव मेथड के आंसर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझना था। अब आपकी ये नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। तो एग्रीगेटिव मेथड तो आसान है, एग्रीगेटिव शब्द का मतलब ये टोटल से करना है, समझ गए। अब अगला पूछा है इसने, कौन सी मेथड से पूछा है, एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। क्या मेथड पूछा है? एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिंक रिलेटिव लेना पड़ेगा। लिंक रिलेटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि चेन बेस इंडेक्स पूछ रहे हैं। जब फिक्स बेस होता है तो प्राइस रिलेटिव, जब चेन बेस होता है तो लिंक रिलेटिव। लिंक करता है ना पीछे वाले से। ईयर लिखो 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013। ठीक है, अब आंसर यहां पे इसका प्राइस रिलेटिव लेना है, तो पहले का तो 100 ही होएगा, तीनों में 100 लिख दो, ये तो हो गया, और इसकी टोटल भी लगा लो 300। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? चेन बेस है, याद ही की बात रखनी है, चेन बेस है। इसका मतलब 6/4 × 100, 8/6 × 100, 10/8 × 100 और 12/10 × 100। और लिखो बोलो पहला कितना आया, पहला कितना आया, 150। दूसरा 8/6 × 100, 133.3। अगला 10/8 × 100 और फिर 12/10 × 100। हो गया। अब उसी तरह से यहां पे देखो वापस, 20/16 × 100, 24/20 × 100, 30/24 × 100, 36/30 × 100। पहला 125 आता है क्या? दूसरा 24/20 × 100, 120। फिर 125 के बाद ये सही है क्या? 16/20 ठीक था, 24/20 × 100 कर दिया। अब उसके बाद में ये 30/24 × 100 कितना आता है? 125। और लास्ट 36/30 × 100 सही है। अब उसके बाद में इसी तरीके से थर्ड स्टेप पे आ जाओ, इसमें करना क्या है, 10/8 × 100 कितना आता है? 125। 16/10 160,
बीस बटे 16, 125 और 24/20, 100. हो गए सारे इंडेक्स. ये कहलाते हैं लिंक रिलेटिव. क्या कहलाते हैं? लिंक रिलेटिव. अब इसकी टोटल लगानी है, पहले की 300, दूसरे की 400, तीसरे की 413.3, फिर 375 और फिर 360. ये टोटल हो गई ना. इस बार एवरेज से लेना है. क्या लेना है? एवरेज से. तो एवरेज यहां पे मैं लिख देता हूं, एवरेज. तो एवरेज शब्द यहां पे आ जाएगा. तो एवरेज लिया तो कितना आ जाएगा? पहले का 100, इसमें 3 का भाग दो. एवरेज के लिए 3 का भाग देना है और कुछ नहीं करना. 133.3, फिर 413.3 में भाग दो 3 का, 137.76, फिर 375 में 3 का, फिर 120 में 3 का और 360 में 3 का. इन सब संख्याओं में 3 का भाग देना है क्योंकि 3 संख्याएं जोड़ी गई. हो गया. अब आएगा सीबीआई. क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? सीबीआई सेम वैसे ही चल रहा है. हाँ तो बोलो. टोटल किया, एवरेज किया, तो एवरेज लिंक रिलेटिव आ गया. अब अपने को लेना है सीबीआई. तो सीबीआई के लिए क्या करोगे? पहला तो 100 ही हो जाएगा, सही है. दूसरा कैसे निकालोगे बताओ? सेम तरीका, इन दोनों की गुणा बट्टे 100. तो 133.3 दिन आ जाएगा, ठीक है. अब इन दोनों की गुणा बट्टे क्या करना है? 100 कितना था? 100. तो प्यारे बच्चों अगला आता है 180, फिर इन दोनों की गुणा 225, ठीक है. आगे बोलो. इन दोनों की गुणा बट्टे 100. हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पॉइंट में चलेगा बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है. हो गया. आंसर मैच करते हैं, किताब से चेक कर लिया. वेरी गुड. तो ये कौन सी मेथड हो गया? प्राइस रिलेटिव मेथड. और किसमें? सीबीआई. और ये भी किसमें था? सीबीआई. सीबीआई यानी चेन बेस्ड इंडेक्स. समझ में आया प्यारे बच्चों? मुश्किल तो नहीं है ना? दो मेथड एक साथ आए हैं, बाकी मुश्किल नहीं है. आपने किया क्या? देखो, लिंक रिलेटिव निकाला, टोटल किया, एवरेज किया, और ये देखो फॉर्मूला. अब ये आप में से कोई ये पूछ सकते हैं, सर ये क्या है, ये आप लाइन क्या लगाते हो? तो मैं कहूंगा आप फॉर्मूला देखो एक बार, सीबीआई का फॉर्मूला पढ़ के बताओ. मैंने आपको लिखाया हुआ है. तो प्यारे बच्चों देखो, ये रहा, ये आपको सीबीआई चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखाया हुआ है. आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाके एक वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं. रूस का करंट ईयर लिंक रिलेटिव लिया था ना हमने, इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, दो चीजें लेनी है, अपॉन 100 करना. तो ये दोनों ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं.